बिस्मिल्लाह रहमान रहीम प्यूएप ST9 सरसिलमाज 9mm पेस्टल सीमी ऑटोमेटिक मेड इन टर्की। अभी इसको हम खोलेंगे, इसको मुकम्मल प्रॉपर चेक करेंगे, फिर उसके बाद जो सेफ्टी है उसको फॉलो करेंगे हथियार की। ये इसके साथ बुकलेट है जो वेपन सेफ्टी के बारे में, उसके एहतियाती तदाबीर, इसके साथ ये क्लीनिंग कार्ड, साथ ही ब्रशेज है, एक हार्ड है बैरल की सफाई के लिए, लड़ी कार्बन वगैरह को, और ये सॉफ्ट है। साथ ये ऑयल कैन जो तेल होते हैं सफाई के लिए, वेपन क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल कर। इसके साथ ये बैक स्ट्रेप है, ये आप देख रहे हैं जो मुख्तलिफ साइज के, ये जो है ये लार्ज है, और जो मीडियम है ऑलरेडी गन में लगा है, हैंड गन में पिस्टल ग्रिप के लिए इस्तेमाल होते हैं, ग्रिप की मजबूती के लिए। अभी आपकी चॉइस है कि आपने कौन सा इस्तेमाल करना है, ग्रिप आपने बड़ा रखना है, मीडियम रखना है, हार्ड रखना है, जिस साइज का भी आपने रखना है, जो भी आपका चॉइस हो। ये पिस्टल है, अभी सबसे पहले जो सेफ्टी रूल है उसको फॉलो करेंगे, मैगजीन उतारेंगे, चेक करेंगे, साथ ही इसका चैम्बर, मैगजीन केज जो के लेफ्ट और राइट, राइट हैंड और लेफ्ट हैंडर दोनों इजी कैरी कर सकते हैं। साथ ही इसका सेफ्टी केज, स्लाइड रिलीज केज, इस गन की जो सबसे खूबी है वो ये कि दोनों साइड पर केज लगाए, इसे आप कैरी कर सकते हो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। ऑलरेडी रेडियम लगाए, बैक साइड
चुकी है अभी। इस पे भी कलर लगाए। अच्छा, जो खोलना जोड़ना है इसका वो बहुत इजी है। इसके जो साथ ये डार्ट लगाए, एक स्लाइडिंग केज पे लगाए, एक स्लाइड पे लगाए, दोनों को बराबर रखना है इसको, और इसकी ये जो केज है इसको दबाना है। इसको आप दबाएंगे उस साइड से, दबा दिए उसको अभी। अच्छा, वेपन के खोलने जोड़ने के जो उसूल है, जो जाब्ते आपने उसको फॉलो करना है। सबसे पहले जो भी आपने पुर्जा आपने खोलना है इसको तरतीब के साथ रखना है। ये वन नंबर, एक ट्रिगर को प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद स्लाइड है, स्लाइड में ये रिकॉइल स्प्रिंग और रिकॉइल राड लगे ऑलरेडी। ये स्टाफ रहे, दो स्प्रिंग लगे इसमें, और साथ ये रिकॉइल ट्यूब है। ये बैरल है रिसीवर है। दूसरे इसकी जो बड़ी खूबी है वो यही है कि लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर दोनों इजी कैरी कर सकते हैं। अभी इसका जोड़ना है अभी कि किस तरीके से आपने इसको जोड़ना है। सबसे पहले स्लाइड को, स्लाइड में जो जिस तरतीब से आपने इसको खोला था उसी तरतीब के साथ आपने अभी उसको बंद करना है। सबसे पहले ये बैरल है इसका, और बैरल में जो ग्रूज की ग्रूज है इसमें 6 ग्रूज है। इसमें जो तादाद है इसका वो 6 है, कुछ में 4 होता है और कुछ में 6 होता है। जो एक्यूरेसी है, जो इफेक्टिव रेंज है इसका 50 मीटर है। रिकॉइल रॉड, इसको साइड पे नहीं रखना है। जब साइड पे रखोगे तो ऑलरेडी ये आप इसको बंद नहीं कर सकोगे, ये प्रॉब्लम देगा आप। तो आपने फिर क्या करना है, इसको दरमियान में रखना है, उसके स्पेस को देखना है, फिर उसके बाद बर्ड रिसीवर, उसी तरतीब के साथ आपने जो स्लाइड लॉकिंग केज, स्लाइड रिलीज केज जो है उसी डार्ट को आपने देखना है, और फिर फंक्शन चेक, बिल्कुल एक एक्यूरेट है अभी।
तो अभी आपने देख लिए नाजरीन जो हमारा पिस्टल था सरसील माज ST9 PUF मेड इन टर्की और जो इफेक्टर है जिसका 50 मीटर और लेफ्ट और राइट हैंडर दोनों इजी कैरी कर सकते हैं बड़ा ज़बरदस्त वेपन है शुक्रिया और हमारी नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आपको जो वेपन की इंफॉर्मेशन वगैरह है उसकी वीडियो आपको बर वक्त तक पहुँचे